इंडिया की गेमिंग कम्युनिटी की बात करो या बाहर की गेमिंग कम्युनिटी, भाई दो गेम जो है ना वो बहुत फेमस हुई है, उसमें से पहली है GTA 5 और सेकंड है माइनक्राफ्ट। फाइनली मैं अपने निंटेंडो स्विच के लिए माइनक्राफ्ट लेकर आ चुका हूँ, जिसकी हम अनबॉक्सिंग एंड गेम प्ले करने वाले हैं। काफी लोगों के माइंड में आता होगा ना कि निंटेंडो तो इतना सा कंसोल है, उसमें गेम लगती कैसे है, इसके अंदर डिस्क निकलेगी या चिप निकलेगी, तो इसलिए सब कुछ ना इस गेम से रिलेटेड डाउट्स आपके मैं क्लियर करने वाला हूँ आज, प्लस थोड़ा सा गेम प्ले भी दिखाऊंगा करके। माइनक्राफ्ट की हिस्ट्री बताऊँ ना अपने से रिलेटेड, तो आज से मैंने 1.5-2 साल पहले गेम खेलना शुरू किया था, मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो अब जो है मैंने ट्यूटोरियल्स वगैरह देखे और आपको भी मैं समझा दूंगा इस वीडियो में ही कैसे माइनक्राफ्ट खेलते हैं, डिटेल में बात नहीं करेंगे, बट हाँ इसकी प्रॉपर अनबॉक्सिंग हो जाएगी एक, और अंदर जो कार्ड निकलता है वो आपको दिखा दूंगा, उसको इंस्टॉल करके दिखा दूंगा निंटेंडो में, और साथ ही साथ थोड़ा सा गेम प्ले भी बता दूंगा। चलो भाई फिर देर नहीं करते, फटाफट से अनबॉक्सिंग कर देते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो ऊपर निंटेंडो स्विच की ब्रांडिंग दे रखी है, माइनक्राफ्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारे कुछ कैरेक्टर्स बने हुए हैं, बैक साइड में गेम के बारे में कुछ कुछ चीजें लिखी है, बाकी थोड़ी बहुत चीजें और है नीचे की साइड। अच्छा एक चीज और क्लियर कर दूं, इंडिया में निंटेंडो जो है ना वो ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ है, तो उसकी गेम्स एक्सेसरीज कुछ भी नहीं आती, ये सब कुछ जो है ना भाई इंपोर्टेड है बाहर से, तो इसलिए अगर आप देखोगे ना इसमें कहीं पर भी ना भाई MRP नहीं लिखा हुआ है, और प्राइजेस भी इसलिए वेरी करते हैं, दुकानदार अलग रेट पे बेचते हैं, अमेजोन पे अलग रेट पे बेचते हैं, इसलिए छोड़ो प्राइस नहीं बताता। फटाफट से इसको अनरैप करते हैं पहले, तो भाई लो जी पन्नी तो उतार दी हमने, चलो जी डब्बी खोलते हैं देखते अंदर। ओ भाई डॉक्यूमेंट तो कुछ भी नहीं मिलते, हालांकि इस एरिया में ना जगह तो दे रखी डॉक्यूमेंट्स की, बट अंदर निकला तो है नहीं, और ये है भाई इसका छोटू सा कार्ड, मतलब इतने प्यारे लगते हैं ना भाई मुझे ये छोटे छोटे कार्ड। यहाँ पर देखो पूरा स्टिकर लगा हुआ है गेम से रिलेटेड, निंटेंडो स्विच लिखा हुआ है, माइनक्राफ्ट लिखा हुआ है, और पीछे से कुछ इस तरह से है। तो फटाफट से इसको अब अपने निंटेंडो स्विच OLED में डालते हैं और देखते हैं कितने GB की जो है इंस्टॉलेशन होती है, या कुछ डाउनलोड भी करना पड़ता है नहीं करना पड़ता। अब वैसे तो मुझे निंटेंडो लिए हुए 4-5 महीने से ज्यादा हो चुका है, बट मैंने इसमें ना इतनी गेमिंग नहीं करी है, खेलता हूँ तो FIFA 22 या फिर Cricket 19 ही खेलता हूँ, कभी कभी GTA खेल ली हो जो ट्रायोलॉजी आई थी ना, बट हमेशा से ना मैं माइनक्राफ्ट शुरू करना चाहता था कि किसी ना अपने ऐसे पोर्टेबल कंसोल में करूं, ताकि जब मैं ट्रैवल भी कर रहा हूं ना तो उस टाइम पे मैं ना अपना वो विलेज अपना घर सब कुछ देखता रहूं और बिल्ड करता रहूं, क्योंकि घर में PC या PlayStation में खेलते हैं ना तो फिर घर पे ही रहना जरूरी है, बट निंटेंडो को तो मैं कहीं भी ले जाके माइनक्राफ्ट के मजे ले सकता हूं। और मैंने ऐसा सुना भाई ये जो गेम है ना इतनी ज्यादा एडिक्टिव है ना, मतलब एक बार अगर आप लग जाओगे ना इसको बिल्ड करने में अपने घर को विलेज में तो आप पीछे ही पड़ जाते हो फिर गेम के, इसलिए मैं PC में खेल के अच्छे लेवल पे पहुंचने का रिस्क नहीं ले सकता था, मैंने कहा निंटेंडो में ही करेंगे जो करेंगे। देखो निंटेंडो में ना यहाँ पर ये गेम कार्ड लिखा हुआ है ना, अब यहाँ से ये फ्लैप खुल जाता है इस तरह से और यहाँ पे कार्ड डलता है, अभी फिलहाल एक कार्ड डला हुआ है, मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको, जो कि है FIFA 22 का, तो यहीं पे ही हम अपना दूसरा कार्ड लगा देते हैं, ये लो जी, और इसको कर देते हैं बंद। देखो भाई कार्ड डालते ही ना माइनक्राफ्ट का लोगो आ गया यहाँ पे, मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा ये अपना दिखा देगा न्यू अपडेट इज अवेलेबल, तो फिलहाल हमें ये अपडेट डाउनलोड करना पड़ेगा इंटरनेट से कनेक्ट करके, फटाफट से कर देते हैं। वैसे ऑप्शन आपको ना स्टार्ट सॉफ्टवेयर का भी दे रखा है, अगर आपके पास इंटरनेट नहीं अभी के लिए, आप चाहते हो कि यार सीधा गेम खेलते हैं वो भी कर सकते हो, बट हम रिस्क नहीं लेंगे, यहाँ पे करते हैं भाई डाउनलोड पे क्लिक, खोल ले भाई, साथ ही साथ सिस्टम अपडेट भी आया हुआ है, चलो ये भी कर देते हैं। जैसे कि मैंने बताया मैं कम ही खेलता हूँ निंटेंडो में, तो इसलिए बहुत दिन से ऑन नहीं हुआ था ना, इसको भी अपडेट मार देते हैं। ओके जी देख लेते हैं, वैसे इसमें ना इंटरनेट स्पीड बहुत स्लो आती है, हमारे घर में है तो 300 MBPS का प्लान, बट ये बहुत स्लो करेगा, मतलब 10-20 MBPS हो सिर्फ, तो इसलिए टाइम लगेगा, इसको होने देते हैं फिर आपसे मिलता हूं। लो जी हो गया फाइनली, अब करते हैं माइनक्राफ्ट पे क्लिक और इसके सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेते हैं। अब पता नहीं कितने GB का होगा ये, भाई साहब अभी स्टार्ट हुआ ना दिखा रहा था 2 दिन, भाई इतना कौन रुकता, चलो अब कम हो गया 12-11 मिनट, तो ऑलमोस्ट 5-6 मिनट में हो जाना चाहिए ये। भाई साहब आज तो गजब स्पीड दिखाई है निंटेंडो ने, फटाफट डाउनलोड कर दिया, और देखो जैसे ही डाउनलोड हुआ ना उसके बाद अब ये पूछ रहा है कि आप यूजर सेलेक्ट करो किसके अंडर आप खेलना चाहते हो, मैंने एक यूजर बना रखा है मोल के नाम से, क्लिक करते ही गेम जो है अपनी स्टार्ट हो जाएगी, प्रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर है। आपको मैंने बहुत बार PlayStation Xbox में तो गेम्स को इंस्टॉल करते हुए दिखाया ना, निंटेंडो पे कभी नहीं दिखाया, इसलिए मैं इस पर दिखा रहा हूँ आज। सेव डेटा कैन नॉट बी क्रिएटेड बिकॉज देयर इज नॉट इनफ स्पेस, लो भैया स्पेस का भी इशू आ गया, हम अपनी इसमें से WWE 2K18 जो है वो डिलीट कर देते हैं, 15 GB की है। चलो जी अब अपना काम हो गया, यहाँ पर गेम ऑन हो चुकी है देख सकते हो आप। ओए होए होए भाई डिस्प्ले ना OLED वाले की अलग ही लेवल की दिखती है मुझे, मैं मजा आ जाता है देखने में, हालांकि स्क्रीन रीडर टर्न ऑफ करना है वरना ये बोलता रहेगा पूरे टाइम। वैसे जो नॉर्मल वाला निंटेंडो है ना उसकी परफॉर्मेंस और इसकी परफॉर्मेंस सेम है, लेकिन इस वाले की ना भाई अलग ही क्वालिटी है डिस्प्ले की, इसलिए इसको OLED वेरियंट बोला जाता है, और ये महंगा भी 8-10 हज़ार रुपए। अब ये माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट कह रहा है साइन अप करने के लिए, कर ही लेते हैं। चलो जी गेम जो है अपनी फाइनली स्टार्ट हो चुकी है, हमारा कैरेक्टर ये रहा, प्ले पर करते हैं क्लिक। वर्ल्ड हमें यहाँ पर आपके पास अगर सिंक करना है पुराना वर्ल्ड है तो यहाँ से कर सकते हो, न्यू करना है तो क्रिएट न्यू पे क्लिक करा, फिर से करा क्रिएट न्यू वर्ल्ड। अब इसके बाद हमें भाई साहब यहाँ पर अपने वर्ल्ड का नाम लिखना है, जैसे कि मैं लिख देता हूँ AJ। गेम मोड आप सेलेक्ट कर सकते हो, सर्वाइवल करना है क्रिएटिव, मैं सर्वाइवल कर देता हूँ। डिफिकल्टी नॉर्मल है, ये मेरे को थोड़ी पीसफुल करनी है क्योंकि आज से पहले मैंने ये गेम खेली नहीं है कभी। चलो जी डन करते हैं क्रिएट करके। अब फाइनली जो है हमारा
मेन करेक्टर जो है वो स्पॉन होगा। अगर वो विलेज के आसपास हो गया तो मेरे भैया मौज हो जाएगी, वरना मुझे विलेज ढूंढना पड़ जाएगा काफ़ी। तो अभी ये बिल्डिंग टेरेन सब कुछ ये जनरेट कर रहा है वर्ल्ड को माइनक्राफ्ट में। लो जी फाइनली वर्ल्ड जो अपना क्रिएट हो चुका है यहाँ पर आप देख सकते हो कम्प्लीट। अभी पहले मैं ड्रॉप करके यहाँ पर प्लेयर अपना आ गया और आसपास मुझे कहीं पे ना विलेज तो नहीं दिख रहा है। खैर अब देखो यार, सबसे पहला काम होता है स्पॉन होने के बाद अपने वेपन्स बनाना। उसमें से पहला है जैसे स्वॉर्ड यानी तलवार, दूसरा है एक्स यानी कि कुल्हाड़ी, तीसरा है पिकैक्स जो काम आता है भाई पत्थर को तोड़ने के लिए, चौथा है हुई यानी कि हल जिससे फार्मिंग करते हैं ना। तो वो सब करने के लिए ना आपको सबसे पहले तो भैया जाना है किसी पेड़ के पास और वहां से इकट्ठी करनी है लकड़ियां। जैसे ये पेड़ मुझे मिल गया तो मैं अपने हाथ से ही ना इसकी लकड़ियों को तोड़ना शुरू करूंगा। ये देखो इस तरह से टूटता जाएगा और थोड़ी सी इकट्ठी कर लेते हैं फटाफट से। ये वाला पेड़ भी तोड़ देते हैं। अभी मैं हाथ से तोड़ रहा हूँ ना भाई इसलिए काफ़ी स्लो हो रहा है, बट जब हम एक बार कुल्हाड़ी तलवार वगैरह सब कुछ बना लेंगे ना उसके बाद देखना ये चीज़ें कितनी तेज तेज टूटेगी। तो ये फटाफट इकट्ठे कर लेते हैं। इकट्ठी करने के बाद मेरे को क्या करना है भाई, वाई दबाना है। अब ये ना हमारा पूरा क्राफ्टिंग मेन्यू आ गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास ये डर्ट नेचर और एक ये ओक लॉग मतलब कि वो आ गए हैं। तो इससे हमें ना पूरा क्राफ्ट करना है। अब यहाँ पर हमारे पास 6 है ये लकड़ी के, तो हमें क्या करना है इस पे जाना है, ऐसे ऐसे सेलेक्ट करना है इसको। सबसे पहले हमने यहाँ पर देखो वुडन प्लैंक बना लिया। अब इसकी मदद से ना हम बनाएंगे भाई यहाँ पर स्टिक। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा हमारे पास स्टिक्स बन गई है 4, और स्टिक की मदद से और इन प्लैंक्स की मदद से ना भाई हमारा बनेगा एक एक्स जिससे हम पेड़ को ना और तेज़ तोड़ पाएंगे या फिर जो तलवार वगैरह है वो सब। तो पहले मैं अच्छे से वुड इकट्ठी कर लूँ ताकि हम ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें बना सकें। ये वाला पेड़ तोड़ते हैं पूरा अच्छे से। चलो यार काफ़ी लकड़ी इकट्ठी कर ली, अब इन सबसे हम बनाते हैं कुछ प्लैंक्स और साथ ही साथ बनाते हैं कुछ स्टिक्स। और आपको पता नहीं है ना अगर इससे कैसे बनाते तो यहाँ पर देखो ये पूरा का पूरा ना आपको मिल जाएगा मेन्यू जिससे आपको पता लग जाएगा कौन सी चीज़ कैसे बनती है। जैसे कि इक्विपमेंट्स में हम जाएंगे तो यहाँ पर अलग अलग चीज़ें दे रखी है। जैसे वुडन स्पोर्ड हमें बनानी है तो मैं नॉर्मली बस इस पर क्लिक करूंगा और हमारी जो है वुडन स्पोर्ड वो एकदम बन जाएगी। अब ये वुडन प्लैंक और स्टिक्स तो बन गए, इसके बाद मेन काम होता है हमारा क्राफ्टिंग टेबल बनाना, जिसके लिए हमें 4 प्लैंक लेने हैं यहाँ पर, 1, 2, 3 और ये चौथा। तो ये देखो भाई ये हमारा बन गया अब क्राफ्टिंग टेबल। करते करते भाई साहब अंधेरा हो गया, बट इस वाली जो क्राफ्टिंग टेबल है ना इस पे हम बनाएंगे भाई चीज़ें। ये देखो सामने रख दिया। तो अब जो हमारा मेन बनाने वाली जगह है ना, पहले देख सकते थे आप 4 ही ब्लॉक आ रहे थे लेकिन यहाँ पर अब टोटल 9 ब्लॉक्स आ गए जिससे आप अपने औजार वगैरह बना सकते हो। जैसे सबसे पहले मुझे एक स्वॉर्ड तो छोड़ो, चलो पहले एक्स की ज़रूरत है ताकि लकड़ियाँ हम तेज तेज तोड़ पाए, तो उसकी मदद से हम बना सकते हैं। ये मैंने इन्वेंट्री खोल लिया पूरी की पूरी कि यहाँ से ना आपको पता चल जाएगा जैसे ऐसे 3 प्लैंक लगाने और 2 स्टिक लगानी है, तो मतलब दो नहीं 4 प्लैंक और ऐसे स्टिक, तो आपकी एक जो है वो एक्स बन गई है। अब एक्स हमारे पास आ गई है ना, ये देखो यहाँ पर हमारा जो पहले हाथ था ना वो एक्स आ गया है। तो अभी मैं पहले इसको तोड़ लेता हूँ और वापस रख लेते हैं भाई। इस एक्स से क्या होगा, मैं जितने भी पेड़ वेड़ काटूंगा ना वो बहुत जल्दी कट जाएंगे, पहले जैसे हाथ से काफ़ी टाइम लगा रहा था ना, बट ये जल्दी जल्दी कर लेगा। ये देखो फटाफट से सारी लकड़ी इकट्ठी कर लेंगे। रात को वैसे तो सो जाना चाहिए, इस टाइम तक हमें एक बेड क्राफ्ट करना होता है ताकि हम सो के ये रात को निकाल सके। जल्दी से ये लकड़ी इकट्ठी करके अभी हमें ढूंढना है भाई शीप्स को मतलब भेड़ बकरियों को, तो उनकी हमें वूल चाहिए जिसकी मदद से हम अपना बेड बना पाएंगे। तो अभी ये बहुत सारे अलग अलग क्रिएचर्स है, क्रीपर्स होते हैं जो रात को आपको मारने आते हैं। घेरा भाई आ गया, ओ शिट भागना पड़ेगा। तो इस टाइम पे वैसे भेड़ मिलेगी नहीं, दिन का इंतज़ार करना पड़ता मुझे। काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो मुझे भी समझ नहीं पड़ रही है अभी, क्योंकि ज़्यादा खेला नहीं है ना मैंने पहले, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आएगी। बट हाँ एक बार जब 10-15 दिन खेल के अच्छे से कमांड हो जाएगी ना गेम पे तो फिर दिक्कत नहीं होगी। और मैं सोच रहा हूँ एक ट्यूटोरियल भी लेकर आऊँ आपके लिए प्रॉपर कि कैसे माइनक्राफ्ट खेलते हैं, क्या कैसे कैसे चीज़ों का यूज़ होता है, कैसे आप विलेज ढूंढ के अपना घर बना सकते हो। तो अगर वो वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी इस वीडियो के लिए तो अनबॉक्सिंग ही थी और छोटा सा गेम प्ले दिखा दिया कि क्वालिटी कैसी आती है गेम की, OLED वाले में निंटेंडो स्विच। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पढ़ना पीता। बाय।